एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये रक्षाबंधन का दिन है और मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई थी। वो रीज़न मैंने आपको आगे बताया है कि मैंने कल व्लॉग क्यों नहीं डाला था। तो यहाँ पर मैं सलूने पूजने के लिए ना जवे बना रही हूँ। कई लोग खीर बनाते हैं, जवे बनाते हैं, हम खीर भी बना लेते हैं, जवे भी बना लेते हैं, मतलब जो मन करे वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जवों को भून लिया और एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए चढ़ा दिए, क्योंकि जब तक अभी सलूने वगैरह पूजे नहीं है तब तक हमने भी किसी ने चाय नहीं पी है। तो इधर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसमें जवे वगैरह डाल दिए, चीनी वगैरह डाल दी है मैंने इसमें, और बस मीठा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। एक बार मैं चीनी को देख रही थी, चेक कर रही थी कि कुछ है तो नहीं, साफ़ करके डाल दी है। और दो इलायची भी मैंने डाली है। जब इलायची डाली है तो शायद मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, क्योंकि ना जब इतना सारा कुछ काम होता है ना तो याद नहीं रहता। ऐसा ही ना मैं जब आपके साथ सब्जी, मतलब मैंने जो रेसिपी आगे एक और शेयर करी है वो बना रही थी, उस टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार मैं कैमरा ऑन करा पर वो ऑन नहीं हुआ, ऐसा हुआ और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इधर हमारे जवे वगैरह बन चुके हैं, चाय वगैरह बन चुके, तो मैं आ गई हूँ बाहर। और देखो मुझे ज़्यादा तो नहीं आता है जितना मम्मी ने, क्योंकि मम्मी से पूछ पूछ के ही मैं करती थी। तो मम्मी ने बताया कि राखी बना दो, सातिया बना दो, ओम बना दो, इस तरीके से सलूने पूछ सकते हैं। तो जितना मुझे आता है माता रानी से हाथ जोड़ लेती हूँ, कोई भूल चूक हो जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तो करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर गेरू और खड़िया, ये जो वाइट होता है ना ये तो खड़िया होती है, और जो रेड कलर का होता है ये गेरू होता है। तो इसे गेरू से मैंने सातिया बनाया है और ओम लिखा है और साथ में राखी बना रही हूँ दोनों तरफ। और फिर सलूने पूजेंगे, मतलब जवे लेके और राखी लेके ना इसको अच्छे से पूज लेंगे। हर किसी का अपना तरीका होता है, आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो ऐसे ही करते हैं, मम्मी ने, हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती है, तो मैंने उन्हीं को देख देख के थोड़ा बहुत जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। तो यहाँ पर मैंने ये राखी ली है पूजने के लिए, ये सिंपल धागे वाली राखी है जो आसानी से चिपक जाती है जब हम पूजते हैं। और उधर ये मंदिर की सफाई कर रहे थे तब तक, जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी, अरेंज वगैरह करी थी सब कुछ, तो उन्होंने मंदिर की सफाई वगैरह कर दी। और सारा सुबह का काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। ये सूट फाइनली इसका श्री गणेश हो गया है, तुरपाई करने बैठ गई। और तुरपाई की सुई में ना धागा पिरोना मुझे एक टास्क लगता है, सच्ची बता रही हूँ। मुझसे धागा नहीं पिरता और मुझसे पिरा भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझसे सुई में धागा पिरा भी नहीं। तो फिर मैंने जो थोड़ी बड़ी साइज़ की सुई होती है ना उसमें धागा पिरो के और फिर मैंने तुरपाई करी यार, क्योंकि भाई नहीं आती है हमें सिलाई और ये सब। तो फिर भी हम थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कुछ सीख रही हूँ और आपको बता रही हूँ, आप कुछ बताते हैं तो उससे मैं कुछ सीखती हूँ। तो इसी तरीके से हमारी जर्नी चल रही है। तो ये देखिए मैंने गले, और अभी भी जानते हैं जब मैं, तो अभी भी इसके चाक पे तुरपाई करनी रह गई है, गले और बाजू में भी तो मैंने इसकी तुरपाई कर ली है, बस चाकों पे अभी भी तुरपाई करनी रह गई है, क्योंकि मुझसे इकट्ठे तुरपाई, मुझे तुरपाई का काम करना सबसे बुरा लगता है, बहुत बुरा। और वैसे मैं मशीन से कर लेती इसकी उस पर चाकों पर तुरपाई, पर मशीन का मैंने आपको बताया था ना ख़राब हो गई थी, तो फिर उस वजह से मैंने फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया था और फिर छोड़ दिया था। फिर मैंने अब हाथों से ही कर ली इसकी तुरपाई, मतलब सुई से कर ली। और अब मैं यहाँ पे शाम की चाय और आलू प्याज की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। डिटेल में कई बार आपके साथ दिखा कैसे बनाती हूँ आलू प्याज की पकौड़ियाँ, तो बस डिटेल में कुछ शेयर नहीं किया आलू प्याज की, बस दिखा दिया कि हाँ आज हमने ये बनाया था और ये खाया था। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद शाम की झाड़ू वगैरह लगा दी घर में, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। इसकी रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो दोबारा से शेयर कर देती हूँ जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके साथ भी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया था, कढ़ाई वही यूज़ करी है जो मैंने पकौड़ियों के लिए ली थी, तो इसमें से मैंने तेल कम कर दिया। और इसमें मैंने क्या कहते हैं लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, तेज पत्ता, लौंग और एक हरी इलायची डाली थी, और इनको डाल के अच्छे से भून लूँगी जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। साथ में मैंने इसमें डाले हैं खरबूजे के बीज, इससे आप बहुत ही नटी सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास काजू है तो आप काजू डाल सकते हैं, मेरे पास काजू नहीं थे तो मैंने ये डाला। अब इस पेस्ट को मैंने ले लिया मिक्सर जार में, उसके बाद आप इसे ठंडा करके पीस लीजिए, पर मैं इतना पेशेंस मुझ में है कहाँ, मैंने इसमें डाल दिया फ्रिज में से चिल्ड ठंडा पानी और उसको मैंने पल्सेस पर चला के मिक्सर में पीस लिया। और उसके बाद मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, उसमें थोड़ा जीरा डाला कढ़ाई में, और जीरा डाला उसमें थोड़ा सा हींग डाला, और फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। और जो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड किए, सूखे मसाले वही बेसिक हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ये सब डाला। और उसके बाद मैंने इसमें एक किलो दूध की जो मलाई होती है ना, मैंने पूरे एक किलो दूध की मलाई, देखो मैंने पतीले से ही डाल दिया पूरी मलाई, और इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दिया। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने दूध डालने की मुझे ट्रिक बताई थी, तो थोड़ा सा दूध और एक किलो दूध की पूरी मलाई मैंने इसमें डाल
डाल दी है और इसको अच्छे से ढककर पकाऊंगी, क्योंकि जब हम मलाई को अच्छे से, पहले तो मलाई को चलाते हुए पकाना, जब उसमें उबाल आने लगे तो प्लेट से ढक के प्लेट से ढककर पकाने से ये होता है कि जब हम इसे ढक के पकाते हैं ना तो घी बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाता है। तो देखिए साइड में अच्छे से घी आने लग गया है और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी, जितनी भी आपको ग्रेवी पतली या गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पानी डाल दिया, पानी में उबाल आने दूंगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो जो हमने पनीर कट करके रखा है वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैं आपको पनीर दिखा रही थी, तो ये कट करके डाल दूंगी मैं इसमें और बस इसको फिर ढक कर 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने दूंगी और हमारी पनीर की सब्जी तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। टाइम 8:05 फैन मैंने ऑफ कर दिया आज। वैसे मेरे पास कमेंट आया था, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, जब मैंने पूछा था ना कि फ़ैन में आपको आवाज़ आती है नहीं, तो उन्होंने कहा आती है, पर मैंने, क्योंकि मैंने खुद अपनी वीडियो को सुना तो उसमें ना सर 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 की आवाज़, मेरी आवाज़ में ना वो होती है, तो कहते हैं ना कि वो होता है बीच में डिस्टर्बेंस होती है, तो वो होती है। तो मैंने फ़ैन ऑफ़ करके, मैंने सोचा चलो आज आप फ़ैन ऑफ़ करके आपसे बात करती हूँ। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये वीडियो कल जाएगी, आज जो वीडियो जानी थी ना, आज मेरी कोई वीडियो नहीं गई है। मैंने 2 शॉर्ट्स डाल दी हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियो कोई नहीं गई है क्योंकि कल लाइट नहीं थी पूरे दिन। परसों सुबह 11:30 बजे की लाइट गई हुई थी, कल पूरे दिन लाइट नहीं थी, कुछ नहीं कर पाई। मैंने मेहंदी की कीप मंगा के रखी, मन था बहुत कुछ करने का, कीप मंगा के रखी मैंने मेहंदी की कि मेहंदी लगाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पर ना लाइट और मतलब लाइट और बारिश, मतलब बैंड बजा के रख दी मेरी, मतलब रात के 12 बजे तक ऐसे मैं नींद में यूं हो रही थी और अंधेरा, क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो चुकी थी, सुबह शायद दोपहर के टाइम ही इन्वर्टर की बैटरी, शायद 12-1 बजे इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो गई थी और इन्वर्टर नहीं चल रहा था। पूरा दिन ऐसे ही निकाला, सोचा चलो रात तक आएगी लाइट, रात तक आएगी, भाई रात के 12 बज गए, हम लाइट वालों को फ़ोन कर रहे हैं, लाइट वालों को फ़ोन करें तो कहते भाई 7 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, पर लाइट ने तो कसम खा ली है कि भाई वो आ जाए जो। तो रात को फिर इन्होंने 2-3 बार 2-3 जगह फ़ोन किया, जो 2-3 बंदे हैं जिनको ये जानते हैं बिजली वाले, उनके पास कॉल किया, तब कहीं जाके उन्होंने कहा कि 10 मिनट में आएगी, 10 मिनट में आएगी, 10 मिनट का करके आधे घंटे में लाइट आ गई। पर वो ये कि रात के 12 बजे कौन मेहंदी लगाने बैठा है भाई, मैंने नहीं लगाई, पर रखिए कीप तो लगा लेंगे, कोई नहीं अब लगा लेंगे। कहेंगे आप लोग कि जब तीज त्यौहार थे तब तो मेहंदी लगाई नहीं, अब मेहंदी लगा रही है। आपको पता ही है मेरे साथ क्या सिचुएशन चलती रहती है, तो बस अब भगवान जैसा चाहता है ना वैसा ही होता है, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसने जैसा सोचा है ना वैसा होना है। अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा होने लगे तो भाई पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा ना। तो ये है खाना पीना, मैंने बना लिया है जी। तो मैंने शाही पनीर बनाया है, उसकी रेसिपी आपके साथ, पहले पालक पनीर बनाने वाली थी और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं प्यारी सी, उनका भी मेरे पास कमेंट आया था कि मैं पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूं, पर मैं क्या करूं भाई, मेरे हस्बैंड पालक लाके ही नहीं देते हैं। आज तो जैसे तैसे राजी हुए थे कि पालक पनीर बना दियो, पर अचानक से कैसे मूड बदल गया कि नहीं पालक पनीर नहीं, तो चावल मतलब शाही पनीर बना, फिर शाही पनीर बना लिया जी हमने। और फिर साथ में मैंने प्लेन राइस बनाए हैं क्योंकि दोपहर के ही टाइम 3-4 बजे के आसपास मैंने आलू प्याज की पकौड़ियाँ बनाई थी, तो पूरियाँ मैंने नहीं बनाई। सुबह मैंने जवे बनाए थे और बस। और मेरी राखी दिखाऊं मैं आपको जो दीदी ने बांध दिया, ये मेरी राखी, फोकस कर ले भाई, तो ये मेरी राखी है, दीदी ने बांध दी है और इनको भी बांध दिया, इनको दूसरी तरीके की बांध दिया, मतलब उसमें कुछ गोल सा बना हुआ है। अब ये नीचे हैं तो यानी इनकी भी राखी मैं आपको दिखा देती, मैं नहीं गई तो मैंने अपने मतलब वो राखी मैंने गणेश जी और कान्हा जी को बांधी है, अपने भाई की राखी, क्योंकि मैं जा नहीं पाई किसी कारणवश, जब अगली बार जाऊंगी तो बांध लूँगी। और भाई ने, मम्मी ने मेरे लिए ना सूट लेके रख लिए हैं रक्षाबंधन के, बल्कि मुझे व्हाट्सएप पे इमेज भेज रही थी मम्मी के सूट अच्छे हैं, मैंने कहा मैं आई तो हूँ नहीं, मम्मी कह रही कोई बात नहीं आई तो मम्मी ने मेरे लिए सूट 2 सूट लेके रखे हैं, अनस्टिच हैं लेके रख लिए हैं।
मैं मम्मी से कह रही थी यहाँ पहले ही सूट अभी तक सिले नहीं है और बिना सिले सूट ले लो वो भी नहीं सिलेंगे। आपको मैंने दिखाया था ना अपने, आप कहिए ना कि मैं अपने बिना जो अनस्टिच सूट है और जो स्टिच सूट है, आप मुझे कमेंट करके बताया ना बताइएगा कि आप मेरे स्टिच सूट का कलेक्शन देखना चाहते हैं या अनस्टिच सूट। आप कहेंगे स्टिच सूट कौन से है तुम्हारे पास, तुम पहनती तो वही तीन चार सूट हो। भाई मैं बताऊँ, मुझे ना लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा और घर में मैं बहुत ही सिंपल टाइप के जो ना लगे मैं उन्हें पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि नए कपड़े जैसे ही पहनती हूँ ना मेरा तो बस जान निकालने को हो जाती है, और थोड़ा सा मौसम चेंज होगा ना तब उन कपड़ों को निकालना शुरू करूँगी कि हाँ अब पहनने की मौसम आ गया है तो अब पहनूँगी। अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं आपको जो मेरे स्टिच सूट हैं वो भी दिखा दूँगी, और अगर आप मेरा ड्रेस कलेक्शन देखना चाहते हैं तो वो कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरा अनस्टिच सूट का कलेक्शन देखना चाहते हैं, यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो कल मिलती हूँ आपसे। ये बात ना मैं आगे के व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, मुझे याद दिला दीजिएगा। दीदी आपने बात रोकी थी उसको कंटिन्यू तो कर देना। तो ठीक है, कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। नई होप नहीं ऐसे नई मुकर नई जनी के साथ आपने कैसे रक्षाबंधन मनाई प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने कोई पिक वगैरह आप अगर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए, कृतिनागा14 करके मेरी आईडी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे शेयर कीजिएगा कि आप कैसे कैसे तैयार हुए थे। मैंने तो सिंपल सा ये वाला सूट पहना था, ये मैंने आपको दिखाया, ये कुर्ती वही मैंने पहनी थी और साथ में कॉटन का दुपट्टा, क्योंकि इसको पहन के काम करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर रीमा जी वो कह रही थी कि दीदी आप ना कॉटन के दुपट्टे लो, तो मैं मोस्टली कॉटन के ही लेती हूँ साथ, तो मैं दो तीन लाने की सोच रही हूँ। मेरे देखो एक कॉटन का दुपट्टा ये था, एक वो था और एक मेरा रिटायर हो चुका है, वो रिटायर, इनको भी मैंने रिटायर कर दिया। यार ये मुझे मन नहीं करता इनको ओढ़ने का। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे।